सूबे में भाजपा पार्टी अपने संगठन को और मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इसी के चलते आज दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन के दौरान सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इसी दौरान सीएम ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि यहां बीजेपी कार्यालय बनने पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव कर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे समर्पण भाव से काम करेंगे। साथ ही सीएम खट्टर ने दिल्ली में हुई केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात पर भी प्रतिक्रिया दी। जरा सुनिए क्या कहा। जिले के कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम ये हुआ है। अभी पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी जिला केंद्रों पर अपने पार्टी कार्यालयों का निर्माण करने का एक अभियान हमने चलाया है और आज उसमें फरीदाबाद का ये कार्यालय का निर्माण हुआ है। इस समय में सभी हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, सदस्य सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। मंत्री बन रहे हैं, पुष्पार को लेकर क्या कहना है सर? दिल्ली में आपकी दो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, उनके बारे में सर थोड़ा सा डिटेल प्लीज सर, किस तरह के प्रोजेक्ट थे? दिल्ली की बैठकें लगातार चलती हैं, दिल्ली की बैठक कोई पहली बार नहीं चली है, लेकिन आज जो के कई मंत्री हों, कई विभागों के नए आए हैं, उनमें से हमारे जो टूरिज्म के मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चर के जो मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी, उनके साथ मेरी मीटिंग थी और हमने हरियाणा के जितने भी टूरिज्म के यानी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर भी चर्चा की है। उसमें चाहे वो हमारा सूरजीकरण का क्षेत्र है, हमारा ज्योतिषर का है, पिंजौर का है, महेंद्रगढ़ है, राखीगढ़ी है, इन सब क्षेत्रों की चर्चा की है और इनके ऊपर कोई ना कोई टूरिज्म के, आर्ट एंड कल्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े हैं उनको गति मिले, ये सारी। देखिए, कार्यालय हमारे काम की एक महत्वपूर्ण इकाई है। हम जब ये कहते हैं कि 5K पर हमारा काम चलता है, उसमें कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यपत्ति और कोष। कार्यालय हमारे लिए संस्कार स्थली भी है, क्योंकि नए कार्यकर्ताओं को संस्कार देने का काम कार्यालय पर होता है। कार्यालय हमारे लिए कार्य का घर भी है कि जिस प्रकार से समाज के कल्याण के कार्य और पार्टी संगठन संचालन के कार्यों की चर्चा यहीं पर होती है। कार्यालय हमारे लिए कार्य पद्धति सिखाने का प्रकार भी है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बैठक में शामिल होना, वो भी हम यहाँ सिखाते हैं। तो कार्यालय का महत्व एक ऑफिस से कहीं अधिक है हमारे लिए, और इसलिए हर जिला केंद्र पर हमारा कार्यालय बन रहा है। आज फरीदाबाद के कार्यालय के निमित्त जो है हम यहाँ इकट्ठे आए हैं सब लोग, और जिस प्रकार की, जैसे मैंने कहा कि पार्टी संस्कार भी है, पार्टी व्यवहार भी है, पार्टी परिवार भी है, तो उसी प्रकार का संस्कार, उसी प्रकार का व्यवहार, उसी प्रकार के परिवार के भाव यहाँ विकसित हों, इसी मैं कहूँगा कि शुभेच्छा के साथ आज मैं फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि यहाँ के कार्यालय का शिलान्यास। इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम के पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्होंने पार्टी को और मजबूत बनाने का भरोसा दिलाया। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।